हेलो इंजीनियर्स, दिस प्रशांति। तो आज आपके लाए हैं एक वाटर हीटर, मतलब आप इस पर ग्लास के अंदर ही डायरेक्ट फिट करेंगे और ये 12 वोल्ट से आप आसानी से जो कि वाटर को आप हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से गर्म होता है, बहुत ही बढ़िया से गर्म होता है और बहुत ही जल्दी गर्म होता है। तो चलिए, ये जो डिवाइस है इसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं अपने घर पे, वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई JLC PCB। नया PCB के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर PCB। अच्छे क्वालिटी PCB का भरोसा JLC PCB, और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका PCB। और JLC PCB से अभी 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ STL फाइल अपलोड कीजिए और मटेरियल को सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। JLC PCB से बेस्ट क्वालिटी का 3D प्रिंटिंग आपके घर पे आसानी से पहुंच जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो हम लोग जानते हैं इंडक्शन का कॉयल के अंदर कोई भी लोहा अगर डालेंगे तो लोहा तुरंत गर्म हो जाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके आज के जो सर्किट है उसको हम लोग बनाएंगे और इसके अंदर एक मेटल डालेंगे ताकि मेटल भी गर्म हो जाए। तो मेटल गर्म होने के बाद किसी भी चीज को हम लोग गर्म कर सकते हैं। तो चलिए, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग आज के सर्किट बनाते हैं। अभी देखिए, ये जो कॉयल हमने इसको बना दिया है, इसके अंदर एक हमने रॉड फिट कर दिया है जो कि लोहे का होगा। तो इस कॉयल के माध्यम से लोहे को गर्म होगा और लोहा ही उसी वाटर को गर्म करेगा। तो इस तरह ये गर्म होगा। और अभी हम लोग इसका जो कॉयल है इसका आउटपुट हमने 3 वायर से निकाला है और इसका जो सर्किट है वो हम लोग आज बनाएंगे। तो चलिए, अभी सर्किट को बनाते हैं पहले, उसके बाद इस पर फिट करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने सर्किट को फिट कर दिया है और ये जो सर्किट है 2 MOSFET के जरिए ये काम करते हैं। तो इस पर मैंने IRFZ44N को लगाया है और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको वीडियो में भी मिल जाएगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो आउटपुट है वो मैंने 3 वायर से आउटपुट कर दिया है और 3 वायर को हमने कॉयल के 3 वायर के साथ कनेक्शन कर दिया है। अभी इस पर 12 वोल्ट इनपुट करेंगे तो ये गर्म होगा
और जिस पर रखेंगे वो भी गर्म हो जाएगा। तो अभी चलिए इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, वाटर को गर्म करके हम लोग देखते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो कॉयल है इस पानी पे हम लोग डालेंगे। तो पानी पे मैं उंगली डाल रहा हूँ, तो देखिए ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गर्म मैंने कर दिया है ताकि जल्दी से ये वॉर्म हो सके। तो अभी इसको हम लोग इसमें डालेंगे। तो डालने के बाद अभी देखिए इस सर्किट पे मैंने 12 वोल्ट इनपुट दे दिया है जो कि DC होगा, और वही 12 वोल्ट से हम लोग इसका जो कॉयल है कॉयल को इंडक्शन करेंगे, मतलब इसके अंदर जो कॉयल के अंदर जो लोहा है उसको गर्म करेंगे, और वही गर्म इस पानी को गर्म करेगा। तो अभी चलिए इसको पावर देते हैं। पावर देने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो पानी मैंने रखा है थोड़ा गर्म ऑलरेडी रखा हुआ है, इसलिए जल्दी गर्म हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये गर्म होता है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक ग्लास के अंदर हम लोग इंडक्शन को फिट कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।